हेलो हेलो, हरि ओम हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। हरि ओम सुप्रभात समस्तंकु, स्वागत करुछि आजिकार आलोचना चक्र को, आजिकार अधिवेशन को। तो गतकाली स्वामी जी आमको जो गीता कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म एवं कर्मफल से विषय आमको बुझाइले। आज आम पढ़ा जाऊ गीता कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म विकर्म एंड ऑफ कर्म। स्वामी जी आपन को बहुत बहुत स्वागत। आज के अधिवेशन आरंभ कर। हरिओम। समारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां वंदे गुरुपरंपरां। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। हरिओम। आजिर शुभ सकाळरे गीता आलोचना चक्र को समस्तंकु स्वागत। आजिर आमर आलोचनार विषय वस्तु होउची दि गीता कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म विकर्म एंड अकर्म। कर्म विकर्म एवं अकर्म विषय रे गीता रे कौन कहा आज से विषय आलोचना आम करवा। गत काली आम सामान्य भाव कर्म सिद्धांत को देखिथिले, कर्म एवं कर्म फल सिद्धांत। आज जो विषय वस्तु कर्म विकर्म एवं अकर्म, ये आउ टे उच्चतर सिद्धांत आम कहवा टे गंभीर आलोचना। जे साधक भाव जो आम कर्म जोगर साधना करवा कर्मबंधन रु मुक्ति पाइबा आम कर्म को साधना रूप से ग्रहण करवा, ताले से कर्म को साधना रूप से ग्रहण करी किपरी भाव निजर कर्तव्यर संपादन करी कर्म को ईश्वर समर्पण भावना करी किपरी आमे जाइकी से पूर्णतार स्थिति रे पहुंचीबा, एई विषय वस्तु उपरे आलोचना करिछंती। भगवान कहउछंती चतुर्थ अध्याय रो श्लोक नंबर 17 नंबर कहउछंती, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः।
जीवन रे जे साधक भाव रे यदि आमे कर्मजोग को साधना भाव रे ग्रहण करूछु जहा साधनार प्रथम पहाच ताले आमे कर्म को जानिबा विकर्म को जानिबा एवं अकर्म को जानिबा तो सामान्य भाव रे आगे अर्थ देखिबा जे एठी कर्म माने कर्तव्य कर्म विकर्म माने निषिद्ध कर्म विधि निषेधात्मक शास्त्र आम शास्त्र दुई प्रकार शास्त्र रे व्याख्या देखा को मिले गोटे हूँ शासनात्मक शास्त्र गोटे संसनात्मक शास्त्र शासनात्मक शास्त्र जो थे अनुशासन आम को शिखाई डूज एंड डोंट्स विधि एवं निषेध याकू शास्त्र व्याख्या कहुए शास्त्र ये सब शास्त्र यार सब व्याख्या अच्छी कौटा आम पाई विधेय कौटा आम पाई निषिद्ध कौटा डूज एंड डोंट कौटा आम पाई कर्तव्य करणीय कौटा आम पाई करणीय नुहे गीता भाषा या भगवान कहते कौटा आम पाई स्वधर्म कौटा आम पाई परधर्म एवं गीतारे एते भाव रे स्वधर्म को बल देइछन्ति भगवान कहते स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह स्वधर्म पालन रे यदि मृत्यु भी आसे विपद रु विपद बड़ विपद मृत्यु आसिले मध्य से वरणीय किंतु आम स्वधर्म केबे हेले छाड़िबा नाही किंतु परधर्म को केबे हेले आचरण करिबा नाही गीता भाषा कहवा यदि जो कर्म कहुई ये भगवान कह स्वधर्म आकर्म हूँ परधर्म बा निषिद्ध कर्म तेणु जड़े मनुष्य हिसाब रे मनुष्य भाव रे वेद आम को आग निर्देश दौंस मनुर्भव जे आम जदि आम को मनीष शरीर मिली किंतु मनीष पणिया आम भितरे प्राय समय देखा जाऊ ना मनीष शरीरधारी जो प्राणी प्राणी टी से पशु ठारु हीन कार्य कहवाई पछे जाऊने शरीर केवल मनीष शरीर मिलवा यथेष्ट नुहे मनीष पणिया आसवा हूँ वास्तविक उद्देश्य तेणु गीता सरी वेदर प्रथम उपदेश मनुर्भव तुम्हें मनुष्य हुआ माने मनीष पणिया आम भितर आसवा उचित अर्थात मनीष पणिया माने कौन आम जो बुद्धि देखते भगवान आम को बुद्धि जो थिबा जगु आम सृष्टि सर्वश्रेष्ठ जीव बुद्धिमानी पूर्वक विवेक पूर्वक आम जीवन जापन करवा अर्थात विचार करी भल मंद पाप पुण्य कौटा कर्तव्य कौटा अकर्तव्य ये सब विचार करी आमे करीबा तेणु शास्त्र रे ई आधार रे जहां आमको उपदेश दिया प्रदान करा जाइछि ताकु कहउछि विधि निषेधात्मक शास्त्र बा शासनात्मक शास्त्र जोठरे पाप पुण्य कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म ये सबुर विवेचना करा जाइछि निर्देश करा जाइछि ताकु शासनात्मक शास्त्र कहउछि आ गोटे संसनात्मक शास्त्र संसन माने तत्व ज्ञान तत्वर उपदेश प्रदान करा जाइछि जे आमर वास्तविक स्वरूप कौन जगतर वास्तविक स्वरूप कौन जीवर ईश्वरंकर वास्तविक स्वरूप कौन इथरे जोथरे कहउछि ताकु संसनात्मक शास्त्र बोली कहउछि तेणु ये यदि आम शास्त्र अध्ययन करिबा एवं शास्त्र हूँ प्रमाण वेद प्रमाण ब्रह्म जिज्ञास मानम तु वेद प्रमाणम धर्म जिज्ञास मानम तु वेद प्रमाणम धर्म विषय यदि आम जानापी चाहू ताले प्रमाण हूँ वेद जमीती आपण मैंने जदि दर्शन शास्त्र विद्यार्थी ताले दर्शन जो सिद्धांत को प्रमाण रूप से कहू ये मानवा दर्शन रो शास्त्र अच्छी
दर्शन शास्त्र हूँ प्रमाण दर्शन विषय जानवापी फिजिक्स विषय जाना पदार्थ विज्ञान फिजिक्स रो जो आम कह शास्त्र अच्छी जो आम बड़ बड़ वैज्ञानिक मान जहाँ को बहुत गवेषणा कर जो सिद्धांत को बाहर करमें प्रमाण तेणु वेद हूँ अपौरुषेय ग्रंथ कौन सी व्यक्ति विशेष रचित नुहे जहा स्वयं भगवान निश्वास प्रश्वास अर्थात सृष्टि सहित ये सृष्टि जो मानुअल ये जो वेद वा शास्त्र सी मध्य सृष्टि जदि भगवान आसी ताले ये सृष्टि जो मानुअल वेद सी मध्य भगवान तेणु ये धर्म अधर्म विषय रे प्रमाण हूँ वेद बा वेद अनुकूल शास्त्र तेणु जड़े मनुष्य भाव जे मनीष पणिया अच्छी आम से कह जे मनुष्य पदवाच्य आम हेलु कहते आम धर्म अधर्म को विवेक विचार करी पाप पुण्य को विचार करी अधर्म को त्याग करीबा धर्म को पालन करीबा पाप को त्याग करीबा पुण्य को ग्रहण करीबा परधर्म को त्याग करीबा स्वधर्म को पालन करीबा एई भाव रे गीतारे मध्य याकू बहुत बल देइछंती भगवान जदि आमे मनुष्य जीवन रो सर्वश्रेष्ठ स्थिति मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म पाई जो आमे सर्वोच्च स्थिति को पहुंची पारिबा कौन महामानव बा महापुरुष देवता स्तर को पहुंची पारिबा पूर्णतार स्थिति को पहुंची पारिबा स्थिति पहुंचा पाई हेले आग को आमको ए उपदेश को मानिया पाई पड़िबो जे मनुर्भव मनुष्य आगे पणिया आम भितर आसीबा दरकार प्रथमे धर्म तापर आध्यात्मिक जो पर्यंत आम धार्मिक नही पारिछु से पर्यंत आम आध्यात्मिक हेबा असंभव प्रथम यदि कहिबा आम साधनार प्रथम पहाच हूँ धार्मिक हवा ता परवर्ती पहाच हूँ आध्यात्मिक तेनाली शास्त्र ए निर्देश को मानु ना ये विधि निषेध को किसी पालन करूना से भली जीवन को कह पामर जीवन पशु तुल्य जीवन पशु शब्द अर्थ हूँ पश्यति इति पशु जे जहा देखे मान इंद्रिय स्तर रे शरीर स्तर रे जे बंचे जहा देखे से ही सत्य किंतु मनुष्य पाखरे इंद्रिय मन सहित बुद्धि विवेक सामर्थ्य अच्छी तेणु आम केवल इंद्रिय स्तर रे बंचिबा नाही शरीर स्तर रे बंचिबा नाही बुद्धि विवेक पूर्वक बंचिबा से हूँ मनुष्य जीवन विशेषत्व तेणु पामर जीवन पशुतुल्य जीवन बुद्धि विवेक प्रयोग न करी आमे केवल पशु भली भोग करीबा पाप पुण्य धर्म अधर्म कौन सी विचार नाही से जीवन हूँ पामर जीवन ताठ गोटे उच्चतर स्थिति हूँ विषयी विषयी माने सी मध्य भोग करे सी मध्य देखे सी मध्य खाए सी मध्य सब किसी करे किंतु विवेक पूर्वक पाप पुण्य रो विचार करी से पाप को त्याग करे पुण्य को ग्रहण करे से अधर्म को त्याग करे धर्म को ग्रहण करे से परधर्म को त्याग करे स्वधर्म को पालन करे एई भाव रे विषयी विषयी माने जे आम टे धार्मिक हेले माने पाप पुण्य रो विचार करी मनीष पणिया बुद्धि विवेक रो प्रयोग करी आमे धार्मिक जीवन जापन करिवार स्थिति को पहुंचिले ये ह्यूमन इवोल्यूशन रे आउट के उच्चतर स्थिति ताड जदि आउट के उच्चतर स्थिति आमे पहुंचिबा ताले आमे हि जेबा साधक साधक माने मु एबे केवल कर्म करिवि नाही केवल कर्तव्य संपादन करिवि नाही से कर्म को साधना रूप देवी अर्थात कर्म योग रो अभ्यास करिवि तेणु पूर्वर जो आम आलोचना करथिले कर्म योग हूँ विशेष बुद्धि ना
गोटे कर्म को विशेष दृष्टि रे विशेष बुद्धि रे करिबा ना होचि कर्म योग तेणु जहा फल आम जो कर्म बंधन रे बांधी से कर्म बंधन बा आसक्ति धीरे धीरे कम हेब एवं आम से पूर्णता प्राप्ति दिग को आगे बा एवं साधक स्थित जो जने जाई माने ज्ञान प्राप्त करे निजर वास्तविक स्वरूप को जाने कामना वासना रु सब मुक्त हो जाए सी कौटी पहुंचे ना पूर्णतार स्थित पहुंचे कहा जाए सिद्ध तेणु तो कर्म विकर्म कर्म को करीबा माने शास्त्र विधे विधान जहाँ कराई जो आम पाई कर्तव्य कर्तव्य जहाँ विधान कराई आम करीबा विकर्म को त्याग करीबा एवं अकर्म स्थित पहुंचा अकर्म माने कर्म रहित कर्तृत्व भाव रहित जीव भाव रहित समस्त कर्म बंधन मुक्त हो आम से पूर्णतार स्थित पहुंचा ये हूँ आम समस्त लक्ष्य तेणु जड़े साधक हिसाब रे साधक भाव रे आम केमी जानवा जो मो पाई कौटा कर्तव्य एवं मो पाई कौटा कर्तव्य नुह तेणु ये जो निर्धारण भगवान ये कहते जे आम कर्म को भी कर्तव्य को भी जानवा कौटा मोर कर्तव्य नुहे जानवा एवं ए सब कु पालन करी जीवन रे साधना रे रूप दे आम जाकि अकर्म स्थित पहुंचा यह आमर लक्ष्य हवा उचित तेणु यही भाव रे यदि भगवान तीनो विषय रे विवेचना करी आग आम विचार करवा वास्तव में ताहले कर्म रही तात्पर्य कौन कर्तव्य कर्म कौन कर्तव्य निर्धारण जो कर्ता हिसाब रे कर्ता भाव रे जो स्थित रे वर्तमान अच्छी कर्ता अनुसार कर्तव्य कर्ता पाई जहा करणीय ताकू कर्तव्य बोली कह एवं कर्ता पाई जहा करणीय नुहे ताकू आमे कौन अकर्तव्य विकर्म बोली कहा जाए तेणु गहना कर्मण गति कर्मर गति बड़ गहन कौटा कर्तव्य कौटा कर्तव्य नुहे कहते से विषय रे कवय अपि अत्र मोहिता जो मैंने ज्ञानी माने मध्य बहुत समय भ्रमित हो जाती कहीं कौन सी गोटे निर्दिष्ट क्रिया से कर्तव्य नुहे बा कौन सी गोटे निर्दिष्ट क्रिया से अकर्तव्य बोली आम कही पारिबा नहीं कहीं स्थान परिवर्तन हो गले समय परिवर्तन हो गले परिस्थिति परिवर्तन हो गले ये कर्तव्य मध्य बदली जाए एको जदि आम विभाजन करिबा बा एठी जगह को भगवान धर्म बोली कहा स्वधर्म धर्म हूँ गोटे सामान्य धर्म सामान्य धर्म आ गोटे विशेष धर्म आ गोटे आपदकालीन धर्म धर्म मान कर्तव्य गोटे सामान्य धर्म जोटा समस्त प्रजोज्य जमी आम कहू अहिंसा परम धर्म हिंसा को कौटी केवे धर्म भाव ग्रहण करा जाए ना अर्थात कौटि भी कहा तुम्हें हिंसार आचरण कर हिंसा करने ग्रहणीय नुहे अहिंसा परम धर्म धर्म परिभाषा भगवान वेदव्यास गोटे संक्षेप गोटे सूत्र गोटे श्लोक कहिले परो उपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम अन्नर उपकार करिबा होचि पुण्य एवं अन्न को पीड़ा पहुंचाइबा अन्न को कष्ट पहुंचाइबा होचि पाप सुंदर परिभाषा तेणु केबे हेले जो आम कहू धर्म कौन सी धर्म रे हिंसा को केबे हेले प्रश्रय दिया जाए ना जो हिंसा को ग्रहण करा जाइछि से केबे धर्म हे न पारे तेणु ये हूँ सार्वजनीन सार्वकालीन समस्त ये उपदेश जे अहिंसा परम धर्म अहिंसा आचरण करिबा ये आम समस्त कर्तव्य तेणु
कौन सी जो भी आम देखा अहिंसा को प्राधान्य दि जाए सामान्य धर्म प्रत्येक मनुष्य ग्रहणीय किंतु आमे जो विशेष विशेष उपाधि धारण करुचु जमी आम कह वर्णाश्रम धर्म वर्ण अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारि वर्ण जदि आम देखा से अनुसार कर्तव्यर मध्य निर्धारण हे तेणु ब्राह्मण रहा कर्तव्य ता क्षत्रिय कर्तव्य नुहे तेणु क्षत्रिय जहाँ कर्तव्य से वैश्यर कर्तव्य नुहे जो वैश्यर जहाँ कर्तव्य जो शूद्रर से कर्तव्य नुहे कर्तव्य मान करणीय भगवान जो कही चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग वर्णर व्यवस्था गुण अनुसार कर्मर व्यवस्था अर्थात आम भितर जो प्रकार गुण स्वभाव अच्छी से गुण स्वभाव बासना को क्षय करने जो जा जो कर्म को ग्रहण कले मो बासना क्षय हेबो सेटा मो पई कर्तव्य से हिसाब से चारिटा कैटेगरी आम देखी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तेणु जदिओ आम कह अहिंसा परम धर्म किंतु क्षत्रिय मानू मान जेहेतु से माने क्षत्रिय योद्धा से माने शत्रु सहित युद्ध करिवे तेणु युद्धर अभ्यास करवा एकांत आवश्यक तेणु तांकु शिकार करिवा पई तांकु परमिशन दिया हिछि शास्त्र तांकु निषिद्ध करा करी नाही माने शिकार से माने करी परिवे कहीं से युद्धर अभ्यास तेणु से हिंसा बोली कहा जाए ना अर्जुन को भगवान कहते अर्जुन तुम्हें ये मार ये पापी मान को विनाश कर नैवम पाप मुसी तुम्हें ये पापी मान को मारे तुमको पाप लग ना मार क्षत्रिय वीर हिसाब से निर्देश दि जाऊँगी जे तुम्हें ये जो अधर्मी पापी मान को विनाश कले यहाँ तुम्हें अधर्म नुहे यहाँ तुम्हें हूँ कर्तव्य यहाँ को तुम कले तुमको पाप लगे ना तेणु गोटे हूँ सामान्य धर्म जहाँ समस्त प्रजोज्य समस्त सामान किंतु आ गोटे हूँ विशेष धर्म जोटा सामान्य धर्म आम पाई करणीय विशेष धर्म सेटा करणीय है न पारे तेणु विशेष धर्म आम कह सामान्य भाव में कहुची जे समस्ते प्रत्येक दिन आम स्नान करवा उचित ये सामान्य धर्म किंतु जदि आपणकर ज्वर है मानने जो समय आप ज्वर है टेम्परेचर अच्छी बॉडी रे से समय डाक्तर कहते आप स्नान करेंगे ना विशेषकर जदि आप टाइफएड ताले कहते आप छाती तल को बेक तल को जमा धोबे ना गाधेबे ना एक निर्देश दिया दिहा विशेष धर्म सामान्य धर्म समस्ते सबुदिन गाधेबा शौच हवा ये सामान्य धर्म किंतु विशेष धर्म यदि आमको ज्वर ताले आम गाधेबा ना यहाँ विशेष धर्म तेणु स्थान बदली गले समय बदली गले आमर भूमिका बदली गले आमर कर्तव्य मध्य बदली जाए तेणु जोटा सामान्य धर्म सेटा विशेष धर्म रे सेटा को प्रजोज्य ही न पारे सामान्य धर्म होची मिछ कहिबा महापाप आम कहू मिछ कहिबाटा होची पाप किंतु जड़े सन्यासी से आश्रम रे सकाळ सकाळ समय हिची प्रात समय से समय से अगणारे बसी से प्रकृतिर आनंद नौछंती एवं प्रकृति को ध्यान करुछंती से समय रे किछि गुंडा व्यभिचार करिया पई गुडे स्त्री लोक को गुडै छंती से स्त्री लोकटी प्राण विकल रे कि से सन्यासी को आश्रम रे आश्रय नेला पसीगला तो से गुंडा मैंने आसी पहुँचले से आश्रम रे सन्यासी को पचारे आपण से स्त्रीलोक को देखी
सेठी जदि सी सत कहे से पाप लगे तेनाली कौन मिछ कह दरकार ना सीपटे आसी ना कई मु देखी ना तेणु जोटा सामान्य भाव मिछ कह पाप किंतु जो विशेष परिस्थिति रे मिछ कहटा हूँ वास्तव में पुण्य जहाद्वारा से स्त्री लोकर जीवन बंचीज से माने निरीह ये टे निर्दोष जड़े लोक से वास्तव में न्याय पाइब तेणु आम यदि बहुत विचार कर देखा ताले सामान्य धर्म जोटा से विशेष स्थिति रे बदली जाए तेणु जड़े गृहस्थर जहाँ धर्म जो सन्यासी से धर्म नुहे नुहे तेणु गृहस्थर धर्म हूँ आपण घर संसार करे आपण को भोग करने परमिशन दिखाई धर्म पूर्वक भोग करने कि सन्यासी से निषिद्ध कर्म तेणु गहना कर्मण गति ही कर्मर गति बड़ गहन अर्थात आम सामान्य भाव कही पारा ना जे यहाँ पाप किए पुण्य समय बदली गले स्थान बदली गले परिस्थिति बदली गले पाप पुण्यर मध्य जो सिद्धांत मध्य बदली जाए तेणु जड़े लोक मरुभूमि जाऊला प्रबल शोष होता से जड़े नैष्टिक ब्राह्मण तेणु सी आगर से आम पूर्व काल समय होत चमड़ा बैग्रे सब पानी नहीं जाऊले पा बोतल आम नेवस्था नाला चमड़ा बैग्रे पा नहीं जाऊले तेणु सी एमती भाव शोष लगुच जे सी एवं पा नपिले मरीज तेणु से लोक को सी कहला मत आज पा देवे कि शोषे मो तंटी सुखी जा मरीज सी कह मो पाखे तो चमड़ा बैग्रे पा अच्छी बोले दिंतु चलीज तेणु से चमड़ा बैग्रु पा पीले निजर जीवन बचेवाप कि पा पी सारापर सी खाद्य भी थिला से खाद्य बाहर करके देले बोले ना ना एबे मु ए खाद्य खाइले मत पाप लगे कहीं मुते ये आपदकालीन धर्म को पालन करी जे आपदकालीन स्थित जीवन बचेवाई जो चमड़ा बैग्रु पा पीली से मोपाई पाप नुहे किंतु वर्तमान मु खाद्य न खाइले मरबि ना तेनाली मुझे खाद्य खाइबि तेटा मत पाप लगे ये हूँ आपदकालीन धर्म आपद स्थित बहुत जो तो जटिल परिस्थिति आसीबो जीवन बचेवा पाई आम जहा करा से पाप लगे ना तेणु गोटे हूँ सामान्य धर्म गोटे विशेष धर्म आगे आपदकालीन धर्म तेणु आम बहुत समय रे कह जे केवल आम बाह्य दृष्टि कही पारा ना जे यहाँ पाप कि यहाँ कर्तव्य यहाँ कर्तव्य नुहे तेणु बेक पूर्वक शास्त्र विचार आधार शास्त्र सिद्धांत आधार आम या जीवन में ग्रहण करवा जड़े जड़े साधु पुरुष से जंगल रे बुलूला समय रे सी गोटे सरोवर कूल बसिले सरोवर कूल बसिले सरोवर सरोवर रे हंस माने विचरण करुछंती बढ़िया सुंदर पद्म फूल से फुटी भ्रमर माने विहंगम करुछंती से सरोवर कूल गोटे गच्छ मूल बसी ए दृश्य को उपभोग करुथिले से समय जड़े दुष्ट प्रकृतिर लोक आसला एवं से सरोवर रे प्रवेश कला निजे गाधेला पानी पीला से पद्म फूल को छिंडे दली चकटी चलीगला चलीगला परे ये दृश्य देखुले से साधु किसी निर्विकार किसी कहले ना कि समय पर शोष लगला तेणु से सरोवर रू जा पा पीले पा पीऊ पीऊ ताकर भी टे इच्छा है
ये पद्म फूलटा को शुंघीबा तेणु सी पद्म फूल को छिंडे नहांती सरोवर रु तोली नहांती कि जाकि नाकटा नहीं कि शुंघिले पद्म फूलटा एवं यही समय से जल देवता से बाहर साधु को बहुत गाली देले। साधु प्रश्न पचारे मोर आज्ञा अपराध कौन मो सम्मुखे जो लोक आसला सी पद्म फूल तोला तो दड़ी चपटी छिंडे कि फिंगिक चली गला आपड़ किसी कहले ना मु तो केवल शुंघी कह देख सी दुष्ट लोक तेणु ताई सी से स्वाभाविक मान सी से आम कहीपरि से अपराध बोल से स्तर में अच्छी जो आप जो साधु पुरुष आप जो बुझा वाला आपेकी आपटा केमी कले तेणु आपण शुंघाटा भी अपराध तेणु आम बहुत समय देखू पा मध्य बर्तमान दंडमुक्त अंचल कर दिखाई प्रकृत दंडमुक्त अंचल करदे कौन अनुशासन को पूरा छाड़देले आम कौन पे कल्याण हो पार ना तो अनुशासन दंडर व्यवस्था मध्य जड़े कौ भली अपराध करी सी कौ स्तर व्यक्ति से अनुसार दंड विधान करा जाए गोटे गोटे पिला अच्छा खाली केवल गाजी देले माने टिके गाली देले से बहुत बाधे से मैंने सुधरी जाती ताले चापुड़ा मारिबा बा छाटरे पिटिबा दरकार नहीं कि गोटे गोटे पिला एमती अच्छा छाटरे न पिटिला पर्यंत चापुड़ा न मारिला पर्यंत से सुधरबे बुझेले हो पार ना सठे सठ्यम समाचरे लातों का भूत बातों से नहीं मानता जे लात खाइले कि मानव बुझीबो ताकू बुझेले हो पार ना तेणु से भाई लोक को लात मारिबा सेटा हूँ आम पाई कौन धर्म दंड विधान से भाया करवा उचित तेणु गहना कर्मण गति यदि आम कर्म एवं विकर्म कर्तव्य एवं अकर्तव्य स्वधर्म परधर्म ये विषय जो विचार करवा आमको बहुत कौन गहन ये विचार आम कौच भगवान श्रीराम सीता त्याग कले ये कंट्रोवर्सी आम जीवानी ता सिद्धांत को बुझा जे सी जो स्वामी हिसाब से सीता त्याग करना से राजा हिसाब से त्याग कले तेणु जो स्वामी एवं राजा ये दुईटा जो कर्तव्य एका सांगे आम पाखे आसब क्या आम प्राधान्य देवा प्रथम मुझे राजा तापर मु स्वामी धृतराष्ट्र ए भूल करवा जो महाभारत भली युद्ध है धृतराष्ट्र से बापा को प्राधान्य देले सी आगर जो राजा मु प्रथम जो राजा या प्राधान्य देवार तेणु से सब दुर्योधन को सपोर्ट कले मो पुओ मु बापा तेणु से पुत्र मोहरे से अंध हो गले पुत्र ये आसक्त हो गले जहा फल महाभारत युद्ध भाई गोटे घटना घटीगला किंतु भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम विग्रहवान धर्म से धर्मर मर्यादा रक्षा करने जो गोटे राजा एवं गोटे पिता सॉरी स्वामी ये दुईटा धर्म जो एका सांगे आसटा को आम प्राधान्य देवा जो राजार धर्म हूँ प्राथमिकता तेणु राजार धर्म पालन करने को जी से स्वामी धर्म को त्याग कले तेणु ये भाव आज जदि जो धोबा धोबिणी ये भाया आलोचना करुंच मान दोष देखा काली आउ टे आउ समस्ते कहे काली राजवास लोक मैंने भी कहे तेणु तार विचार करवा एकांत आवश्यक यही भाव में आम कह जे जो धर्म एवं अधर्मर व्याख्या कर्तव्य एवं अकर्तव्यर व्याख्या ये बहुत गहन कथा तेणु विवेक पूर्वक शास्त्र सिद्धांत शास्त्र मत अनुसार आम को पालन करवा उचित तेणु जो मैंने विशेषज्ञ तांकर आम मतामत नहीं जोटा आम कर्तव्य पालन करवा जोटा आम कर्तव्य नुहे जोटा परधर्म ताको आम त्याग करवा।
ये जो मनुष्यर प्रथम धर्म साधनार प्रथम पहाच पूर्व तृतीय अध्याय भगवान कहते नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याय ही अकर्मण प्रथम आम अकर्म अलसुआ हेबा नाही कर्म को त्याग करिबा नाही कर्म करिबा कर्मठ हेबा किंतु कौ कर्म करिबा नियतम कर्म नियत माने कर्तव्य कर्म नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म करिबा आमे एवं से कर्तव्य कर्म मध्य गोटे धर्म हूँ गोटे हूँ सामान्य धर्म गोटे विशेष धर्म गोटे आपदकालीन धर्म जड़े झीटे बह गला शाशुघर को गला परे तार प्रथम धर्म हूँ से जड़े गृहिणी तेनाली गृहिणी हिसाब से सी घर संसार दायित्व तुलवा सर प्रथम कर्तव्य जो मैंने ये बुझी से आवश्यक पड़े जे मु कौन मुझे चाकरी करी मध्य त्याग करवा उचित जो सामान्य धर्म विशेष धर्म या को आम ठीक भाव बुझी जीवन में पालन करवा ये जो गला आम कह कर्म एवं विकर्म व्याख्या कर्म को पालन करवा विकर्म को त्याग करवा एवं जाकि अकर्म स्थित पहुंचा अकर्म स्थित कौन ता विषय विचार करवा जड़े जत साधना दृष्टि निजर कर्तव्य कर्म को संपादन करे एवं कर्तव्य संपादन करुवा समय रे जहा ताई करणीय नुहे शास्त्र निषिद्ध कर्म ताकू से त्याग करे एवं ये जो कर्तव्य कर्म को मध्य ईश्वर समर्पण भावन रे करे कर्तव्य कर्म बा आम धर्म पालन करुला मध्य से धर्म भी आम को बांधिबार संभावना अच्छे तेणुकि सत्व गुण भी बांधे सुख संगेन बधनाति सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन च अनघ हे अर्जुन ये सत्व गुण मध्य सुख सांगरे आमको बांधि दिए एवं ज्ञान सहित आमको बांधि दिए तेणु धर्म भी बंधनकारी हे पारे धर्म जड़े दान करुछि दान करिबा गोटे पुण्य कर्म किंतु दान करि यदि अहंकार आसिला मु करूछि ताले ई दान मध्य करिबा ई पुण्य कर्म मध्य बंधनकारी मु जने सन्यासी मु सन्यासी रे जीवन यापन करूछि निश्चित भाबे बहुत श्रेष्ठ जीवन मु अन्य मानंकु निजे गीता पढूछि निजे ताकु अध्ययन करूछि निजे ताकु जीवन रे प्रयोग करूछि एवं अन्य मानंकु से दिगरे प्रेरित करूछि अन्य मानंकु उपदेश देउछि निश्चित भाबे बहुत पुण्य कर्म किंतु यदि मु या करी मोर अहंकार आसुची मु एते बड़ मो ठारु के ज्ञानी नुह ताले एही पुण्य कर्म मध्य मो पई बंधनकारी तेणु पाप कर्म बा निषिद्ध कर्म को तो आमे त्याग करिबा किंतु ए पुण्य कर्म बा जो स्वधर्म आमे कर्तव्य पालन करूछु से मध्य आमको बांधिबार संभावना अछि तेणु आमे केवल ए धार्मिक हेबा यथेष्ट नुहे आमे आध्यात्मिक जीवन जापन करिबा अर्थात सेई कर्तव्य कर्म को ईश्वर समर्पण भावन रे करिबा ये हूँ आध्यात्मिक जीवन रो आरंभ तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर तदर्थ कर्म करिबा आम स्वार्थ को त्याग करवा मोपाई केवल नक अन्नपाई बचापी शिखा तेणु कहुच एक्सपानसन इज लाइफ कंट्राक्शन इज डेथ जिते आम निज हृदय को विशाल करवा मोर ये परिधि को विशाल करवा आम कौन आमर लाइफ आम जीवन से पूर्णता आड़ अग्रसर जिते आम संकुचित हो जा कूपमंडूक हो जा सेते आमे दुख बंधन युक्त जीवन जापन तेणु जो कर्तव्य कर्म आमे करुछु से पुण्य कर्म आमे करुछु धर्म पालन करुछु से मध्य साधना बोली कहा साधकर जीवन जापन आमे करुछु बोली कहा केतेबेले जेतेबेले सही कर्म को ईश्वर समर्पण भावना रे करिबा जे ईश्वर समर्पण भावना रे करुछु बोली केमिति आमे मानिबा जानिबा
ना कर्म आरंभ करिबा पूर्वरु जो मु सेवक ही करिबी मु मालिक नहे मु होची भगवान को सेवक एवं कर्म करथुवा समय समर्पण भावना रे करिबा ये कर्म कोनसी कर्म छोट नहे बड़ नहे मोर स्थिति मोर वासना को क्षय करिया पई भगवान जहा कर्म देछंती सेटा मो पई करणीय मो पई दी बेस्ट ताकू कले जाई मोर वासना क्षय एवं जेतले फल आसीबो से कर्म फल को भगवान को प्रसाद रूप रे ग्रहण करिबा जहा भी भगवान पठैछंती मो मंगल पई पठैछंती एवं एइतरे ही मोर कल्याण हेबो तनु से दुख दियंतु किमा सुख दियंतु से भगवान को प्रसाद तब हसी हसी ग्रहण करिबा एई भली भावना रे कर्म करिबा कर्तव्य कर्म संपादन करिबा एउछ कर्म योग एवं जते जते आमे कर्म योग रो अभ्यास करिबा ईश्वर समर्पण भावना रे बंचिबार अभ्यास करिबा तले धीरे धीरे कोन हबो हमरी जो आसक्ति कम हबो परम वासना क्षय हबो एवं आमे से पूर्णतार स्थिति आड़ को अग्रसर हबा सेठो आमे हे जीवा जने जिज्ञासु जिज्ञासु माने तले मन रे प्रश्न आसीबो जितो आमे आमे बुद्धि शुद्ध हबो तले जिज्ञासा आसीबो जे वास्तव रे मु के मु कोठो आसीछि मो जीवन रो लक्ष्य कोन एवं मु से लक्ष्य को केमिति प्राप्त करिबी ए सब प्रश्न से पर्यंत आसीबो नाही जो पर्यंत आमरो जो अंतकरण शुद्ध न होईची जो पर्यंत बहुत आसक्ति कामना वासना रे आमे बांधी हिचू से पर्यंत मन रे प्रश्न मध्य आसीबो ही नाही तेणु जणे कर्म को करिबो विकर्म को त्याग करिबो एवं ई जो कर्तव्य कर्म मध्य ईश्वर समर्पण भाव रे भावना रे जतले करिबो कर्म योग भावना रे करिबो तले से अंतकरण तार शुद्ध हबो एवं ई शुद्ध अंतकरण द्वारा हमें जिज्ञासा हम भीतर आसीबो हमें से प्रश्न रो उत्तर खुजिबा पई गुरुंक पाख को जिबा गुरुंक पाखरो जो शास्त्र ज्ञान को शास्त्र को श्रवण करिबा मन चिंतन करिबा एवं निधिध्यासन वाताको जीवन रे अभ्यास करिबा से ज्ञान को अहम् ब्रह्मास्मि रो जो अनुभव करिबा या ना होची अकर्म स्थिति अकर्म माने कर्म रहित स्थिति कर्म रहित बोली केतले कहा जीव ना जेतबेले कर्तृत्व भाव भी रहिबो नाही स बीज कर्म बीज सहित नाश हो जीवा होची अकर्म स्थिति तेणु आमे अकर्म स्थिति रे पहुंचिबा अर्थात मु कर्ता नुहे मु जीव नुहे मु कर्ता भोक्ता नुहे मु होची नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा मो उपस्थिति रे सब होची मु किछि करू नाही प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसह अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते ये प्रकृति रो सब उपाधि मानक द्वारा क्रिया संपादित होची मु किछि करू नाही मोर केवल उपस्थिति रे होची मु कर्ता नुहे ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ये जीव भाव ये ब्रह्म वा आत्मा उपरे आरोपित मु कर्ता नुहे जेमिति ये जन्म मृत्यु होची शरीर रो शरीर आसिला शरीर विनाश हबो किंतु आमे ए शरीर धर्म को निज उपरे आरोपित करी आत्मा उपरे आरोपित करी आमे कहू मु जन्म होई मु मरी सेई भली आमो भीतर जो प्रकृति तत्व अछि से प्रकृति सब क्रिया करूछि ए प्रकृति रो क्रिया को मु आत्मा उपरे आरो पुरुष तत्व उपरे आरोपित करी मु कहू मु करूछि वास्तव रे मु किछि करू नाही ए जो अकर्म स्थिति वा कर्म रहित स्थिति एथिरे पहुंचिबा होची आम जीवन रो साधनार लक्ष्य तेणु कर्म जोगरु आमे साधना आरंभ करिबा कर्तव्य कर्म को करिबा निषिद्ध कर्म को त्याग करिबा एवं से कर्तव्य कर्म को मध्य ईश्वर समर्पण भावना रे कले आम अंतकरण शुद्ध हब एवं निवृत्ति ता परवर्ती जो साधना द्वितीय पहाचन साधना निवृत्ति परक साधना निवृत्ति परक साधना माने ज्ञान रो साधना एवं षष्ठ अध्याय रे भगवान कहउछन्ती
आरुरुख्यर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढस्य तस्यैव सम कारण मुच्यते। जे वर्तमान साधनार प्रारंभ करिया पई जाउची ताकु कहला आरुरुख्य आरोहण साधनार पाहाचरे से आरोहण करिया पई जाउची ता पई कहउची कर्म कारण मुच्यते ता पई कर्म होउची साधना कर्तव्य होउची साधना कर्म से करिबा उची किंतु जिया जहार अंतकरण शुद्ध ही सालानी जहार कामना वासना शिथिल हो गलानी ता पई होउची से गला जोगारूढ़ द्वितीय पहाचर साधना ता पई कोई सम कारण मुच्यते ता पई निवृत्ति होउची साधना ता पई अबे प्रवृत्त हवा साधना नुहे तनु से निवृत्ति आड़ को अग्रसर हव सन्यास मार्ग रे जीव एवं ज्ञान प्राप्ति दिगरे नियोजित हव। तेणु जड़े प्रवृत्ति रु किपर निवृत्ति आड़ अग्रसर हव निवृत्ति को पालन करी ज्ञान द्वारा केमिति निजर से पूर्ण स्वरूप को अनुभव करिव अहम ब्रह्मास्मि रो अनुभव करिव ये होची से कर्म विकर्म अकर्म रो व्याख्या। तेणु परवर्ती एरे भगवान 18 नंबर श्लोक रे कहउचंती कर्मण्य कर्मय पश्येत अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्मकृत्। जे कर्म रे अकर्म को देखे एवं जे अकर्म रे कर्म को देखे से होची बुद्धिमान। कौन आज्ञा कर्म रे अकर्म को देखे अकर्म रे कर्म को देखे ये कौन कहले कि बुझेला कर्म रे अकर्म को देखे अर्थात जिए से अकर्म स्थिति रे पहुंचिलाणी से कौन देखे सबु कर्म हेउथबा समय रे मध्य से देखे मु किछि करू नाही मु से अकर्म आत्मा अकर्ता आत्मा एई भली भाव रे से अकर्म स्थिति रे सबळे रुहे। ये होची कर्म रे अकर्म को देखिबा एवं अकर्मणि च कर्मयः जे अकर्म रे कर्म को देखे सामान्य भाव रे जोटा को आमे अकर्म कहउचु पचारे आपण कौन करथंदी आया ना किछि करूना माने आमे भाविलु जे शरीर आमे शरीर द्वारा किछि करूनाहुं आमे इंद्रिय द्वारा किछि करूनाहुं ता माने मु कर्म करू नाही। किंतु जणे ज्ञानी जणे साधक भाव रे कौन देखे जहाकु आमे किछि करू नाही बोली अकर्म कहउचु किंतु वास्तव रे सेठी कर्तृत्व भाव अछि माने कर्म अछि कि नै। तेणु आमे बहुत समय रे ट्रेन रे यात्रा करथवा समय रे आमे थकी जाऊ यात्रा के करूछि ट्रेन तो चली छि आपन तो बसचंती काहे कि थकी गले ने मु यात्रा करूछि ए जो कर्ता कर्तृत्व ये अछि मु करू यात्रा करूछि तेणु मु यात्रा करूछि माने बसिबाटा भी सेठी कर्म तेणु आमे थकी जाऊ। तेणु जड़े ज्ञानी जड़े साधक भाव रे से कौन देखे जहा को आमे अकर्म बोली कर्म रहित स्थिति बोली कहउचु सेठी मध्य बीज भाव रे कर्म रहिछि। किंतु अपर पक्ष रे जणे जतबेले से ज्ञानी ज्ञान जहार ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञान रूपक अग्नि रे जहार कर्म माने सबु अज्ञान एवं अज्ञान जन्य जीव भाव कर्तृत्व भक्तृत्व नाश हो जाइछि से कौन देखे सब क्रिया हेउछि किंतु कर्म किछि हेउ नाहि। तेणु ज्ञानी द्वारा केवल क्रिया मात्र संपादित हुए ज्ञानी द्वारा कर्म हुए नाहि माने ज्ञानी रो जो कर्म से कर्म फल द्वारा ताकु बांधे नाहि काहेकि ना से कर्म पछरे कोनोसी कर्तृत्व आसक्ति नाहि जे मु करूछि जीव भाव तार नष्ट हो जाती तेंतुली मंजीटे को आप भाजी देले से भाजी देले से सबु काम रे लागी परिवो किंतु गुटे काम हेबो नाही चित्रा गच्छ हेई परिवो नाही माने से जो भाजी ही गला चित्रा गच्छ हेबार आउ सामर्थ्य नाही। गोटे छोटिया गप कहीकि आम ये शेष करवा थे जन राजा सॉरी गोटे फार्म थिला गोटे प्राइवेट फार्म एवं से
ଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ଡ ସମୟ ହେଇ ଆସିଲା ତେଣୁ ସିଏ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କାହାକୁ କରାଯିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କହିଲେ ଏ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବଛାଯିବ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଞ୍ଜି ଦେଲେ କହିଲେ ଏବଂ 6 ମାସ ସମୟ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା ଏ ମୁଞ୍ଜିଟାକୁ ନେଇକିରି ତୁମେ ଲଗେଇବ ଗୋଟେ ଗାମଲାରେ ଲଗେଇବ ଏବଂ ସେଠି ତୁମେ କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ ସେଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ବାଛାଯିବ ଯେ କିଏ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ହବ ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମଞ୍ଜି ନେଇକିରି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ 6 ମାସ ପରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାମଲାରେ ଏକଦମ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଆସିଲେ ତ ସେଇ ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ କଲୋନୀରେ ରହୁଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଛ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜଣକାର ଗଛ ହେଲା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି କଲେ ତେଡ଼ଉଥାନ୍ତି ଆରେ ତୋର କାହିଁ ଗଛ ହେଲାନି ଦେଖ ଆମର କେତେ ବଢିଆ ଗଛ ସେ କହୁଛି ଆରେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଯେମିତି ଯାହା କରିବା କଥା ମାନେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲି ଠିକ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଲି ଖତ ଦେଲି ସବୁ ଦେଲି ଗଛ ମୋର କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାହିଁକି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ନା 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 ଗଛ ହଉ କି ନ ହଉ ମତେ କୁହା ହେଇଛି ସେ ମଞ୍ଜିଟା ଦିଆ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଘଟାଲା କରିବି ନା କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେ ସେଇ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେଲା ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଫିଙ୍ଗେଇ ଦେଇକିରି ଭଲ ମଞ୍ଜି ଯୋଉଥିରେ ଫୁଲ ଭଲ ଫୁଟିବ ସେ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଆଣିକି ପୋତିକି ବଢିଆ ଏକଦମ ଫୁଲ ଗଛ ଫୁଲ ଫୁଟେଇକି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଫୁଲ ଫୁଟି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବାବୁ ତୁମେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲି ସାର ଖତ ଦେଇଥିଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲି ପାଣି ଦେଉଥିଲ ରେଗୁଲାର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଥିଲି ତୁମର କାହିଁକି ମଞ୍ଜି ଗଛ ହେଲା ନାହିଁ ଖାଲି କେବଳ ଗାମଲାଟା ଖାଲି ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ ମୋର କରିଛି ସେଇଠୁ ସେ ଏମଡି କହିଲେ ଏଇ ଲୋକ ଯାହାର ଗାମଲାରେ ଜମା ଗଛ ହେଇନାହିଁ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ନେକ୍ସଟ ଏମଡି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ଏତେ ବଢିଆ ଫୁଲ ଫୁଟେଇଛୁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଟା ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ପାରିନାହିଁ ସେ କେମିତି ଏମଡି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ତ ସିଏ ଯିଏ ଏମଡି ବୁଝେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲି ସେ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା ମାନେ ତାକୁ ନିଆଁରେ କଣ ଭାଜି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଗଛ ଫୁଲ ଫୁଟେଇକି ଆଣିଛ ସମସ୍ତେ ଘୋଟାଲା କରିଛ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେ ମଞ୍ଜି ବଦଳେଇ ଦେଇକିରି ତୁମେ ଅଲଗା ମଞ୍ଜି ପୋତିକି ଇଏ କରିଛ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ ମଞ୍ଜିକୁ ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ଲଗେଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବ ଇଏ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏମଡି ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବିଚାରଣୀୟ ବିଷୟ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ସିଏ ଭାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଠି ସେ ମଞ୍ଜି ଆଉ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗଛ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ହବ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ନିଜ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଛି ଜାଳି ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣି ତାର ଏଇ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ତାର ଜୀବ ଭାବ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ଅକର୍ମ ସ୍ଥିତି ତେଣୁ ସବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ଯିଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ଅକର୍ମକୁ ଚିହ୍ନି କର୍ମକୁ କରି ବିକର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏବଂ ସେଇ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ ଭାବନାରେ କରି ଯିଏ ଯାଇକି ଅକର୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେ ସିଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ତାର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୁପଯୋଗ କଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସୟୁକ୍ତ ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇସାରିଛି ଯୋଗର ଆମେ ପରିଭାଷା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରାପ୍ତି ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କର୍ମ କୃତ ତାର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ ସେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଇଛି
ना से तार किसी पाइबार अच्छी ना किसी हरेबार अच्छी ना किसी नकले से हरेबार भय अच्छी ना कले किसी अधिका पाइबार तार आउ कौन सी संभावना अच्छी से जो परिपूर्ण इनफिनिटी सुख को से प्राप्त हुए से परिपूर्णता सुख पाइबा फल रे तार आउ कौन सी कामना रुए नाही प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदच्यते तार आउ कौन सी कामना जीवन में रुहे नाही ई भली पूर्ण काम व्यक्ति ताकु यही अकर्म स्थिति बोली कहाई अर्थात आमे जीवन रे यदि ए सिद्धांत को बुझिले ताले आमे कर्म को निश्चय पालन करिबा जत्ते विपद आसु पछे एवं कर्तव्य कर्म परिवार समय रे भगवान को स्वधर्म निधनम श्रेय आमे बर मृत्यु आसी जाऊ तथापि मु मोर कर्तव्य को त्याग करिबी नाही एवं मु केबे हेले परधर्म को ग्रहण करिबी नाही एवं कर्तव्य कर्म को मध्य ईश्वर समर्पण भावना रे करिबी एवं एवं जाई कि सही पूर्णतार स्थिति अकर्म स्थिति रे पहुंची भी ये होची साधनार लक्ष्य ए भली भाव रे भगवान ये चतुर्थ अध्याय रे जो कर्म विकर्म अकर्म जो सिद्धांत रूप रे ए भली व्याख्या कले अर्थात कर्म जुगर सिद्धांत को बुझी हम जीवन रे ताको पालन करी हम पूर्णतार स्थिति रे पहुंचीबा ये जीवन रो लक्ष्य होबा उचित ए विचार सहित आजिर जो गीता आलोचना चक्र जो चिंतन ताको हम एठी विराम देबा आपण मानको बहुत बहुत अशेष अशेष धन्यवाद जे मते पुणी आउथरे ई चिंतन मनन करिवारे आपण माने सहयोग करुछंती तणु मु आपणक पाखरे कृतज्ञ निश्चित भाव रे ई सब गहन जो आमे को जो गहन कर्मण गति कर्मर जो विषय को बुझीबा ई बड़ कठिन विषय निश्चित अनेक प्रश्न आसीब किंतु जेतले बारंबार बारंबार आमे कोन करिबा ताकू पढ़ीबा सुनीबा बुझीबा चिंतन मनन करिबा तले से धीरे धीरे क्लियर हेई जीव किंतु जदि किसी कहार प्रश्न रही जाइछि सार कहते जिज्ञासा भावना रे हमें प्रश्न पचारि परिबा एवं तार उत्तर खोजिया पई चेष्टा करिबा करियो समझे अनेक अनेक धन्यवाद आउ वर्तमान मौसम रे चैट बॉक्स रे किसी प्रश्न अछि तो मु आपन को पचारु छी कल्याणी सरंगी मैम पचारिछंती गोटे प्रश्न जे काली का गत काली रे जो गोटे माने जो लेक्चर थिला ता ऊपर पचारिछंती हमें ताको अलाउ करि परिबा कि जे प्रश्न गत काली रे जो विषय थिला ता ऊपर हां हां कोन प्रश्न हो जी इफ कर्म हैज इट्स कंसीक्वेंसेस और कर्म फल देन वेदर इन्फ्लुएंस आवर कैरेक्टर और नॉट हाउ एंड व्हेन कैरेक्टर इज फॉर्मड मोय के भल के मु ऑडियो टा सुभुनी बोल की मु के इंग्लिश आउ के तो ओडिया तक अपन कह देबे की हां हम कह दे छी बुझी से कोजन जे कैरेक्टर केमिति फॉर्म हुए उठे चरित्र बुझी केमिति आउ बुझी केते बेले केमिति चरित्र गठन हुए एई चरित्र को हमर जे कर्म से ताकू इन्फ्लुएंस करे किंबा करे नहीं अच्छा हां चरित्र गठन रे कर्मर भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निश्चय रही जेमिति आमे कहिलु जे वर्तमान जो आमे जहा कैरेक्टर बोली कहुछु से कौन से आमर पास्ट जो कर्मर जो इम्प्रेशन सी ही आमर कैरेक्टर रूप रे वर्तमान आम पाखरे पहुंची बा आमे सेटा कैरेक्टर बोली कहुछु तेणु जो कर्म आमे करुछु जीवन रे से कर्मर जो इम्प्रेशन तार जो छाप से आम मन रही जाऊ से ही परवर्ती रे आम विचार से भावना एवं कर्म ही अभिव्यक्त हुए तेणु जन चरित्र चरित्र व्यक्तित्व माने कौन से केवल शारीरिक व्यक्तित्व नुहे शरीर दृष्टि तो समस्त को भगवान दीटा आखि नाक देखते पटी देखते कान देखते ये समस्त को देखते किंतु व्यक्तिर परिचय कौन तार व्यक्तित्व तार भावना तार विचार तार कर्म यही व्यक्ति व्यक्तित्व निर्धारित कर विचार करवा कौ भाई भावना आम भितर आसब एवं कौ भाई कर्म आम करवा निर्भर कैर क्या उपरे आमर पूर्व पूर्व बासना अनुसार कौ भाई
बासना पूर्वर आम डाटा आम भितर एकत्रित होमती मु कहली मनीष केवल पूर्व प्रारब्ध अनुसार मनीषर जीवन चले ना पुरुषार्थर भूमिका मध्य बहुत महत्वपूर्ण तेनाली जो आम जन मनुष्य हिसाब से फ्री विल आमको दिखाई पुरुषार्थ कर क्षमता दिखाई बुद्धि विवेक पूर्वक आम जीवन जापन कर ताले आमे से कैरेक्टर को व्यक्तित्व को मध्य बदल पारा तेणु जन स्टन मेन सब लोएस्ट ये कौन गॉड मेन स्तर को जापर ये सामर्थ्य आम पाखे अच्छी तेणु जो कैरेक्टर से मध्य परिवर्तनशील आम व्यक्तित्व परिवर्तनशील तेणु आम बदल पारा तेणु कहा केमी बदल जो विशेष क्षमता भगवान देखते ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति आम बहुत समय जानु बहुत समय आम इच्छा भी करू कि सही अनुसार कर्म करूना तेणु स्वप्न खाली देखने हम ना जीवन में प्रयोग कराया पड़े तेणु गीता हूँ प्रयोग शास्त्र जो पर्यंत आम प्रयोग न करिछु कर्म रे जीवन में प्रयोग न करिछु से पर्यंत तार संपूर्ण आम लाभ पाई परिबा ना तेणु कर्म भूमिका निश्चित भाव रही कैरेक्टर निर्माण करिवारे तेणु आम जहा अछु वर्तमान से ड्यू टू आवर पास्ट एक्शन पूर्वर आम कर्म फल ये वर्तमान ये चरित्र टे आमको मिली एवं या कोमी आम आहरी आग को आगे ऊपर स्तर को ले जाई पारिबा ये वर्तमान आम जीवन में जहा पुरुषार्थ करवा ताऊपर निर्भर करे तेणु मनीष केवल प्रकृतिर दास नुहे मनीष हूँ प्रकृतिर स्वामी तेणु से निजर प्रकृति को निज अधीनस्थ कर कौन परम प्राप्ति दिगरे लगे पार तेणु आम आम निजर भाग्य विधाता हो पार जो पुरुषार्थ बल तेणु क्यारेक्टर केमी निर्माण हम सीटा आम हाथ में निर्भर कै गीतार भगवान कहते उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादय निज को निजे उद्धार कर जे आम मो भाग्य बोली आम कही छाड़ी देवा ना कि भगवान मो ऊपर कृपा करूना बोली छाड़ी देवा ना आम ये सब को भी ग्रहण करवा कि आम पुरुषार्थ करवा जो विशेष क्षमता आम भगवान आमको दे तार सदुपयोग कले कि आमर व्यक्तित्व विकास संभव हरि ओम थैंक यू स्वामी जी तो द्वितीय प्रश्न पचार रेणुबाला सुंदर राय पचार नैमित्तिक कर्म कौन नैमित्तिक कर्म ऑकेजनली ड्यूटी नित्य कर्म हूँ डेली ड्यूटी नैमित्तिक कर्म ऑकेजनली ड्यूटी नित्य कर्म जोटा आम डेली करू जमी आम कौ शौच हवा नित्य कर्म ब्रश करवा नित्य कर्म ताकू कह जाए जहाँ कह अकरणे प्रत्यवाय जदि न कले दोष अपराध लगे नित्य कर्म कहुए आपण कह आज सबुदिन गाधोची बहुत बड़ बहादुरी कम आप करूना कि न गाधले आपण को कौन देह खराब हम आप ये हम साई पड़ोशी को दुर्गंध हम सीटा हूँ अपराध जोटा न कले अपराध हुए कले बहुत बड़ आम बहादुरी कम कलु बोली कहुए ना नित्य कर्म कह नैमित्तिक कर्म हूँ ओकेजनाली ड्यूटी ये भी कर्तव्य कर्म ये भी न कले आमको अपराध लगे ओकेजनाली माने जो आत्मीय स्वजन कहीं चली गले विपद समय ढड़ा हवा पाखे कहार बाहर व्रत घर ये भी ओकेजनाली आसे डेली नुहे से समय यहाँ कर्तव्य तेणु आम जो डेली ड्यूटी रु समय बाहर करें कौन कर ये जो नैमित्तिक कर्म को मध्य संपादन करवा विपद आपद ढड़ा हवा सुख सुविधा ढड़ा हवा ये मध्य जन मनुष्यर कर्तव्य जेहेतु आम जड़े सामाजिक मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी समाज रे आम रहा तेणु समाज सामाजिक दायित्व सामाजिक कर्तव्य दायित्व बोध मध्य आम रहा उचित तेणु जड़े मुझे राष्ट्र नागरिक हिसाब से राष्ट्रीय धर्म मुन करवा ये मध्य मोर कर्तव्य तेणु आम कहे इमरजेन्सी जो इमरजेन्सी पड़े तो समस्त को से राष्ट्र जहाँ निर्देश दिए करने पड़े सीटा कर्तव्य नैमित्तिक कर्म जो ऑकेजनली ड्यूटी
ସ୍ୱାମୀଜୀ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦମୟନ୍ତୀ ବାରିକ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଦକାଳୀନ ଧର୍ମ କଣ? ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆପଦକାଳୀନ ଧର୍ମ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ, ବିଶେଷ ଧର୍ମ, ଆପଦକାଳୀନ ମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି ଯେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବା ହଉଛି ଆଗର ପ୍ରଥମ ଆମର ଧର୍ମ। ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପାପ ବି କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ପାପ ଧରାଯିବ ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ଆପଦକାଳୀନ ଧର୍ମ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚମଡ଼ା ବେଗରୁ ପାଣି ପିଇବାଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ପାପ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚୋରି କଲା, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ କିଛି ତାର ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଟାକ୍ କଲା, ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ କଣ କଲେ, ତା ସହିତ ଲଢେଇ କଲେ, ଏବଂ ଲଢେଇ କରୁ କରୁ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଦକାଳୀନ ଧର୍ମ। ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଦକାଳୀନ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ପାପରେ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସେଟା ଯଦିଓ ପାପ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଦକାଳୀନ ଧର୍ମ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ହରିଓମ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା, ଆମେ ମନ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଂକାର ଏସବୁ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର। ତ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ହୁଏ, ଏ କର୍ମ କରୁଛି କିଏ, ମାନେ କର୍ମ କାହା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ହଉଛି, କିଏ କିଏ କରୁଛି କର୍ମ, ଆଉ କର୍ମର ଫଳ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? ହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଦୁଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଏଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ୍ ରିଏଲିଟି। ଅବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଏଲିଟିରେ ଯଦି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ, କର୍ମ ନାହିଁ ଜମା, ହେଲା କର୍ମ ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ମଫଳ ନାହିଁ। ନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱମ୍ ନ କର୍ମାଣି ଲୋକସ୍ୟ ସୁଜତି ପ୍ରଭୁ, ଅଜ୍ଞାନେନ ଆବୃତମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ତେନ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ତବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, କି କର୍ମ ନାହିଁ, କି କର୍ମଫଳ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହେଇ ବସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି ଏବଂ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହଉ ରହିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ କର୍ମ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବେ ଅବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଏଲିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସେ ଅକର୍ତ୍ତା ଅଭକ୍ତା ଆତ୍ମା ବୋଲି ସେ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଠି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, କି କର୍ମ ନାହିଁ, କି କର୍ମଫଳ ନାହିଁ, କି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜୀବ ଭାବରେ ମାନିଛି, ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ କଣ ଅଭାବ ବୋଧ ଅଛି, ମୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୋର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଭାବୀ ହେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଧନ ଆସିଲେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଭୋକ୍ତା। ତେଣୁ ଏବେ ମୋର ଧନ କେମିତି ଆସିବ, ଚାକିରି କରିବି, ବେପାର କରିବି, କିଛି ନହେଲେ ଚୋରି କରିବି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ହେଇଗଲି କର୍ତ୍ତା। ଯଦି ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ବି ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ, ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଧରୁ ଆମ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ଆସିଲା, ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଏଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଏଲିଟି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ୍ ରିଏଲିଟି। ଅବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଏଲିଟିରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, କି କର୍ମ ନାହିଁ, କି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରିଲେଟିଭ୍ ରିଏଲିଟି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜୀବ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହେଲେ କର୍ମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏବଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପାୟ ଯୋଉ କର୍ମ ଯୋଗ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବ ଓ ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଜୀବ
जीव एवं जीवात्मा नहीं जीव और जीवात्मा पार्थक्य किसी ना एक शब्द कौटी जीव बोली कह जीवात्मा मान जीवात्मा परमात्मा जो आम कहू जीवात्मा मान जीव भाव रे जो आत्मा वर्तमान कर्तृत्व भक्तृत्व ये रे बांधी जीवात्मा परमात्मा मान जी बंधन रु मुक्त तेणु यही भाव शब्द जो कहे पापात्मा पुण्यात्मा आत्मा पाप पुण्य ग्रसित नुह व्यक्तित्व कहा जन कार आत्मा मान से व्यक्तित्व जन पापमय व्यक्तित्व जन कार आनकर पुण्य व्यक्तित्व जो शास्त्र शब्द रो प्रयोग ताको बुझाप पड़ो तेणु शास्त्र मनोच्छा अध्ययन कले हम ना जो मैंने विशेषज्ञ तांकर गाइडलाइन आम पढ़ा उचित तेणु जीव और जीवात्मा शब्द किसी पार्थक्य ना आलोकित कर फिलोसफी फैमिली आपके वास्तव में कृतज्ञ आमको ये सुंदर भाव भगवत गीतार मार्गदर्शन कर धन्यवाद स्वामी जी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि ओम समस्तंकु अशेष अशेष धन्यवाद धन्यवाद समस्त हैव ए वंडरफुल